नमस्कार एवरीवन। तो सुहानी सर्दियों का मज़ा लेते हैं मिर्ची का चटपटा अचार खा के। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस वाली मिर्ची का, ये मोटी मिर्ची का अचार मैं किस तरीके से अभी प्रिपेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने ये देखिए मिक्सर जार में जो है 100 ग्राम ये पीली वाली सरसों ली है, यानी कि राई की दाल बोलते हैं इसको, सरसों की दाल। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 3 चम्मच मैंने सौंफ ली है। ये बारीक वाली सौंफ है, आपके पास यदि बड़ी सौंफ है तो आप बड़ी सौंफ लें। 1 चम्मच हमने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने दोनों तरीके के सॉल्ट लिए हैं। ज़्यादा मैंने वाइट सॉल्ट लिया है और थोड़ा सा मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, और यहाँ पर हींग ली है थोड़ी सी। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्सर जार में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सर जार में हमने जो ग्राइंड किया था मसाला, वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये देखिए। अब हम इस मसाले को, यहाँ पर हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है और हम इसके गर्म होने का वेट कर रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑयल है अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने फ्लेम जो है ऑफ कर दी कि एकदम से हम यदि मसाला डालें तो हमारा मसाला नहीं जल जाए, तो हमने फ्लेम अभी ऑफ कर दी है। थोड़ा सा गुनगुना होने दे रही हूँ मैं तेल को। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे आराम से। मैंने एक साइड ही डाला है अभी, और फिर मैं इसको आराम से ऐसे ऐसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मसाला जो है हमने इसमें प्रॉपरली अच्छे से तेल में धीरे धीरे मिक्स कर लिया है। इससे क्या हुआ, ये अपनी इंटरनल हीट से ऑयल की जो हीट थी गैस बंद होने के बाद भी, इससे ये मसाला जो है पक जाएगा। इसको हम पका लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको लगातार चलाते रहें, जिससे कि जो टेस्ट है, फ्लेवर्स हैं, वो आराम से इसमें उतर आए। तो फ्रेंड्स आगे हमने ये जो मिर्चियाँ थी इनको हाफ हाफ कट करके इस तरीके से हमने कट कर लिया है। और अब मैं इस मसाले में डालने जा रही हूँ ये 2 से 3 छोटे चम्मच जो है अमचूर पाउडर, ये हमने इसमें डाल दिया है, ये देखिए। और अच्छे से आप मिक्स कर लें इसको, ये देखिए। आंखों में बहुत जलन हो रही है क्योंकि जो सरसों के तेल की झरांग है वो मेरे आईज में चली गई है। और हमने सारी मिर्च को जो है इसमें डालकर ऐसे मिक्स कर लेना है प्रॉपरली अच्छे से, ये देखिए। तो फ्रेंड्स हमारा मिर्ची का चटपटा अचार बनकर तैयार है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसकी जो अलग टाइप है इसको बनाने का, आप चाहें तो इस मसाले को मिर्च के अंदर भर के अच्छे से भी जो है स्टोर कर सकते हैं, पर मैंने इनको हाफ हाफ कट कर लिया है जिससे सर्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने इसको हाफ हाफ करके कट करके मसाले में मिक्स किया है, ये देखिए हमारा मिर्ची का अचार, चटपटा अचार बनकर प्रॉपरली तैयार है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कैसी लगती है कमेंट कर बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।